दोस्तों अब ये रहा न्यू जो है माइक, मैंने अभी जो बोया का मंगाया उसका आवाज़ है, साउंड है। तो आप बताइएगा कि इसमें आपको साउंड की क्वालिटी में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, क्या इसकी साउंड क्वालिटी उस माइक से बेटर है या नहीं है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, यह एक माइक है और इसे मैंने कितने में मंगाया है, अमेजोन से मंगाया हूँ, और इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी माइक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों ये माइक जो है मैं इसलिए मंगाया क्योंकि ये मेरा माइक जो देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, ये माइक इसमें जो रबड़ रहता है वो भी नहीं है, तो इस माइक को मैंने मंगाने की कोशिश की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये कैसा माइक होने वाला है। दोस्तों ये माइक ख़राब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, साउंड नहीं अच्छी क्वालिटी में आ रही थी, तो इसलिए ये माइक को मंगाया। इसका दाम भी बताऊंगा और कैसा ये भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपके सामने ओपन करता हूं क्योंकि यह जस्ट अभी भी आया था, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। यह माइक कौन सी कंपनी का ये भी मैं आपको बताऊँगा और कितने का पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो पहले इसे ओपन करता हूँ। इसके अंदर अब कुछ नहीं है, देख सकते हैं इस प्रकार से पैकिंग रहती है ताकि ये टूटे ना, डैमेज ना हो, बहुत ही शानदार पैकिंग किए रहते हैं। अमेजोन कंपनी द्वारा मैं मंगाया हूँ। अब इसको मैं फेंक देता हूँ, उसके बाद ये देखता हूँ क्या है इसमें। ये देख सकते हैं एक लिफाफा है और लिफाफा में आपको बताया जा रहा है कि मुझे ये कितने का पड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये मेरे एड्रेस पर 639 रुपये का आया, ऑफर के तहत मैंने मंगाया था 639 रुपये का। ये रहा उसका लिस्ट जो जिस प्रकार से दिया है। अब ये रहा माइक। अब इस माइक कंपनी का नाम बोया बाई यमोन माइक है, जो आप देख सकते हैं बोया बाई यमोन माइक है। और इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो इसे मैंने मंगाया था तकरीबन साल भर पहले, मंगाया था एक साल पहले, अभी इस क्वालिटी को मंगाया हूँ। अब इसको ओपन कर आपको दिखाता हूँ। यह एक ओरिजिनल क्वालिटी है, एक बार कोड से पता चलता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो ये ओरिजिनल है। उसके बाद इसे ओपन करता हूँ मैं आपको। तो अब मैं आपके सामने इसको ओपन करने वाला हूँ जो इस प्रकार से मैंने इसकी ओपनिंग की, और ओपनिंग करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं अब कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही प्यारा बोया बाई यमोन की माइक है जो बहुत ही बड़ी साइज़ में आती है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। इसमें एक पैकेट है, इस पैकेट पे सारा जो है डाटा है जो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूँ इसको। उसके बाद एक और पैकेट है, इसमें भी इस प्रकार से है, कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोया का एक लोगो बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा है, जो एक ओरिजिनल में आता है। उसके बाद में इसके अंदर एक देख सकते हैं पैकेट है, इस पर भी लिखा गया है बोया, इस पर भी लिखा गया, जो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका लोगो बना। दोस्तों देख सकते हैं इस पर भी बहुत ही प्यारा बोया बना हुआ है, और एक थैली नुमा है जो बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसको अंदर ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद क्या मिलता है मुझे, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। कितनी इसकी लेंथ है ये भी बताता हूँ, देख सकते हैं अंदर इस प्रकार से मिलता है। इसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं अंदर और दिखा दूँ क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे और मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बोया का फिर से एक लोगो ब्रांड मिल गया। इसके बाद यह है जेल, यह है जेल जो बहुत ही ख़तरनाक है। इस पर लिखा रहता है डू नॉट ईट, इसे मत खाइए, इसको फेंकना पड़ेगा। इसके अंदर अब कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा है, बोया का पैकेट मिला। अब इसके अंदर क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसके अंदर ये है, इसमें एक बड़ा सा जैक दिया है जो देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद इसमें आपको एक क्लिप दे रखा है। उसके बाद ये देख सकते हैं जो नॉइस कैंसिलेशन करता है रबर, यही रबर मैं बता रहा था जो इसमें नहीं है, ख़राब हो गया था, खो गया था, तो ये मुझे मिल गया। उसके बाद ये मुझे क्लिप मिल गया जो मैं अभी यहाँ पे फंसाया हूँ, एक क्लिप भी इसमें मिल गया। उसके बाद मुझे यह मिल गया बैटरी। यह बैटरी तब लगाना है जब आपका कैमरा यूज करेंगे, तब फ़ोन के लिए यह बैटरी नहीं लगाना है। यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जिसमें आप बैटरी लगाने के लिए आपको दे रखा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं, जो बैटरी इजेक्टर टूल है, इसको पैक कर देता हूँ। बैटरी नहीं लगाना है यदि आप फ़ोन में यूज करते हैं तो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी बोया का स्टिकर है, बारकोड है, और यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दे रखा है ऊपर के लिए और नीचे के लिए, नीचे के लिए फ़ोन के लिए, ऊपर के लिए कैमरा का, दो बटन दे रखा है। और इसकी लेंथ की बात करता हूँ तो तकरीबन यह 10 मीटर का लेंथ है, जो बहुत ही प्यारा लेंथ है, बहुत बड़ा है, आप तकरीबन बहुत दूर जाकर इसको शूट कर सकते हैं। माइक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, जो मैं वीडियो बनाता देखते हैं आप, तो आप बताइएगा कमेंट कर ये आपको कैसा लगा बोया का माइक। 639 रुपये में मुझे अमेजोन से पड़ा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।